आज के समय में महिलाएं देश के विकास में पुरुषों के बराबर योगदान दे रही हैं। सामाजिक हो या राजनीतिक, सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सेना के साथ साथ भारतीय पुलिस में भी महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भारतीय पुलिस में सबसे पहले महिलाओं की भर्ती कब और क्यों की गई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की रोचक जानकारियां मिलती रहे। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस में महिलाओं की भर्ती से जुड़ा किस्सा काफी रोचक है। दरअसल पुलिस में महिलाओं की जरूरत सबसे पहले उस समय पड़ी जब आजादी के बाद देश में दंगे होने लगे और अपहरण के साथ साथ रेप की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी। इन अपराधों के बढ़ने की वजह एक तो देश का बंटवारा होना और दूसरा अंग्रेजों का यहाँ से चले जाना था, क्योंकि आजादी के बाद अंग्रेज पूरी तरह से देश छोड़कर जा चुके थे, जिसके चलते अंग्रेजों के बनाए गए सभी कानून खत्म हो गए थे। वहीं हमारे देश के कानून ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते अचानक से अपराधों में बढ़ोतरी होने लगी। इसी दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि जगह से आने वाले रिफ्यूजियों की संख्या भी देश में बढ़ने लगी। इनमें महिला शरणार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। सुरक्षा के लिहाज से उस समय भारत सरकार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नारी सम्मान की वजह से पुरुष पुलिसकर्मी इन महिलाओं की तलाशी नहीं ले सकते थे। इसे देखते हुए पहली बार भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर साल 1948 में कुछ महिलाओं को पुलिस में भर्ती करने का आदेश दिया। हालांकि आजादी से पहले भी कुछ राज्यों में महिलाओं को पुलिस का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उनकी आधिकारिक औपचारिकता नहीं थी। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी बढ़ने लगे थे। कुछ महिलाएं भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाई जाने लगी। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की दरकार और बढ़ गई। इसी तरह महिला अपराधियों को सर्च करने का काम भी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक महिलाएं भी पुरुषों के बराबर पुलिस विभाग में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज हर एक जिले में अलग से महिला पुलिस थाना है, जिसकी इंचार्ज भी खुद महिलाएं पुलिसकर्मी है, जो घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।